बाबू, एक स्टूडेंट हमको एनटीपीसी रिक्रूटमेंट वाला पेपर का कटिंग भेजा है। उसका वेबसाइट में भी एक दो दिन में आ जाएगा। ओवरमैन के लिए 52 पोस्ट और माइनिंग सरदार के लिए 7 पोस्ट है। बाकी और भी चीजों के लिए, मैगजीन इंचार्ज के लिए, सर्वेयर के लिए है, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के इंस्ट्रक्टर, वो सब के लिए भी। उससे आपको लेन देना नहीं। माइनिंग वालों के लिए तो यही दो चीज नवाजी, ओवरमैन और माइनिंग सरदार। तो हम यही तक लिमिट में रहेंगे, लिमिट के बाहर काहे जाएंगे। तो जो भी बच्चे हैं जिनके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है, वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट है, जीटी है, फर्स्ट एड है, वो बच्चे सबके सब अप्लाई कीजिए और ईमानदारी से प्रयास कीजिए, अपने लिए प्रयास कीजिए, तो आप लोग अवश्य सक्सेस हो जाइएगा। डिफरेंट कंपनीज का भी सीसीएल बीस में हुआ है, डब्ल्यूसीएल हुआ, एनसीएल हुआ, एमसीएल हुआ, वहां पर मेरे चैनल को देखने वाले बच्चों को बहुत फायदा हुआ। ऑलमोस्ट बच्चों का यहां से सिलेक्शन हुआ। उन लोग का नहीं होगा जो नहीं देखता है या जो नहीं पढ़ता है, ठीक है। कुछ फाकीबाज भी होता है, अपने लिए भी फाकीबाज होता है, उनके लिए नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात, स्टेचुटरी प्रोविजन में आपको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, वो चीजों को हमने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक बहुत सरल और आसान भाषा में समझाने का हमेशा भरपूर प्रयास किया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि माइनिंग के स्टूडेंट्स को फायदा हो। ये मेरे चैनल में क्या है, फर्स्ट एड इन माइंस, आप जाके देख लीजिएगा। फर्स्ट एड इन माइंस का सब मिल जाएगा आपको, जो जरूरत का चीज है उतना ही चीज डालते हैं हम जो जरूरत का होता है। कई बार बोलते ये भी बना दीजिए, जरूरत नहीं उसको हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। माइनिंग से रिलेटेड चीज बनाएंगे, एडवर्टाइजमेंट के लिए हम चैनल नहीं खोले। वाइंडिंग इन शाफ्ट का देख लीजिए, आपको मिल जाएगा सब। सबसे बड़ा दो चार प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट तो 45 प्लेलिस्ट है, सबको देखिएगा। लेकिन खास तौर से सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट, उसमें कहीं लिखा होगा एम फॉर एमसीएल, फॉर एसीसीएल, फॉर ढिमका फिमका, उससे कोई लेन देन नहीं। वो माइनिंग का चीज है, उसके लिए थोड़ी वो रिजर्व है। अरे भाई ठीक है, उस समय वहां का एग्जाम हो रहा था तो लिख दिया होगा उसके नाम पे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनिंग का चीज है। सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में मैं समझता हूं 260 वीडियो है, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर हमको याद नहीं है। सीएमआर प्लेलिस्ट है, माइंडसेट माइंड का है, रेस्क्यू रूल का है। ये प्लेलिस्ट को कम से कम देखिए, फर्स्ट एड इन माइंस का देखिए, स्टोविंग का देख लीजिए, सेफ्टी मैनेजमेंट का देख लीजिए, और माइंड प्लांट्स एंड सर्वेयर करके एक प्लेलिस्ट, इसको मत भूलिएगा, उसको देख लीजिएगा। सीएमआर प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए, और बाकी आपका रिओपनिंग है और भी चीजें हैं उनको भी देखिएगा। और स्टेचुटरी प्रोविजन में बच्चा लोग गच्चा खा लेता है कि मोटा मोटी पढ़ गया था, नहीं, यदि सब्जेक्टिव टेस्ट होता ना तो चल जाता मोटा मोटी। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है जिसको एमसीक्यू बोलते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव आता है वहां पर आपको एग्जैक्ट आंसर बताना है, वहां मोटा मोटी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। पूछ लेगा आपको फर्स्ट एड रूम का फ्लोर एरिया बताइए, और दे देगा नॉट लेस देन 14 मीटर स्क्वायर, हाँ, नॉट लेस देन 10 मीटर स्क्वायर, नॉट मोर देन 10 मीटर स्क्वायर, नॉट लेस मोर देन 14 स्क्वायर मीटर। और यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो यहीं पर आप गड़बड़ा जाइएगा। मैंने उनका पूछ लेगा कि एक हॉल रोड है, हॉलेज रोड है, उसका ग्रेडियंट जो 1:20 है, बताइए कितने में। लिख देगा 20 मीटर, नॉट मोर देन 20 मीटर, नॉट लेस देन 20 मीटर। सब 20 में आप 24:20 हो जाइएगा, ठीक है। तो आपको बड़ा बढ़िया से रेगुलेशन में दिया हुआ है। प्रोविजन सब मेन होल्स का भी मेरा वीडियो है, सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में है, सीएमआर प्लेलिस्ट में भी है। हम आप बताए हैं आप लोग को कि यदि आपको मेन होल जो है नॉट मोर देन 10 मीटर इंटरवल पर प्रोवाइड करना है, लेकिन ग्रेडियंट कम हो जाए, मतलब कितना कम हो जाए, 1:6 से कम हो जाए, ग्रेडियंट 1:6 से कम हो जाए,
मतलब ग्रेडियंट कम हो जाए, लेवल टाइप का रोड हो जाए, तो आपको नॉट मोर देन 20 मीटर इंटरवल पर मेन होल प्रोवाइड करना है, और वहां बहुत कुछ बताए। तो इस टाइप की चीजों को आप बारीकी से मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कहां गलती करते हैं। मेरा 4 व्हाट्सएप ग्रुप भी है रिक्रूटमेंट का, उसमें भी हम वीडियो डालते हैं, क्वेश्चन डालते हैं, ताकि बच्चों को कहां गलती करता है वो समझ आता है। अब कहीं कोई बोलेगा सर हम वहां पढ़ लिए थे ना कि वो जो डिप्लेरिंग करते हैं उसका सेंट्रल स्प्लिट जो गैलरी होता है जिसको स्प्लिट भी बोलते हैं, सेंट्रल स्प्लिट बोलिए स्प्लिट गैलरी बोलिए, वो 3.6 था। कहां लिखा आपका रेगुलेशन 112 में लिखा है? नहीं लिखा। जब नहीं लिखा है तो आप कहां बोल रहे हैं, मतलब आपका मनमर्जी हो गया है। कोई नहीं, हो सकता कहीं पर कोई एग्जांपल लेके इलस्ट्रेट किया होगा, वो अलग चीज है, लेकिन जो आपका स्प्लिट गैलरी रहेगा उसके लिए रेगुलेशन 112 में, हम रेगुलेशन 112 118 111 सब समझाएं, उसमें लिखा है कि स्प्लिट गैलरी का जो चौड़ाई है विड्थ है वो ओरिजिनल गैलरी, ओरिजिनल गैलरी का मतलब होता है डेवलपमेंट गैलरी से अधिक नहीं होगा, मतलब इक्वल रहेगा, ये लिखा है, तो उतना न रहेगा कि मनमर्जी चलेगा, मनमर्जी नहीं चलता, बहुत सारा मनमर्जी माइनिंग भी चलाता है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल में आइए, निःशुल्क फायदा उठाइए, और इतना इतना इंटरेस्टिंग चीजें हम डाले हैं कि आप लोग को ये एग्जाम के लिए तो काम आएगा, आने वाले और भी ढेर सारे एग्जाम में काम आएगा। थैंक यू।